फेमस कलेक्शन आज हम आपसे शेयर करने जा रहे हैं वाइट एग कोरमा रेसिपी। सबसे पहले प्याज हरी मिर्च हम ले लेंगे इस तरह से, और उसके बाद गरम मसालों में साबुत हम ले लेंगे दालचीनी, तेज़पात, छोटी बड़ी इलायची, लौंग, काली मिर्च। 6 अंडे मैंने ले लिए इस तरह से, इसको वॉश करके रख दिया था, अभी इसे हम बॉईल करेंगे। आप अंडों की क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर सकते हैं। बादाम मैंने यहाँ पे भिगो के रख लिए थे, बादाम में भी आप थोड़ा बहुत क्वांटिटी कम या ज़्यादा कर लें जितना पसंद करते हैं। और अब गरम हम मसाले डालेंगे इसमें, जो वो है ज़ीरा पाउडर भुना हुआ 1 से 2 चम्मच, और यहाँ पर हमने लिया है धनिया पाउडर 2 चम्मच, नमक ले लेंगे हसबे ज़रूरत, जितना आप कम ज़्यादा खाने में पसंद करते हैं। अब हम शुरू करते हैं खाना बनाना। सबसे पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्याज को यहाँ मैंने थोड़ा सा मोटा मोटा काट दिया था, जो मैं ऑयल में अब इसको डाल दूँगी। ऑयल थोड़ा सा गर्म हो चुका है तो मैंने इसमें प्याज ऐड कर ली। प्याज को ज़्यादा बारीक ना काटें क्योंकि हम इसे अब पीसेंगे। दूसरी तरफ यहाँ एग बॉईल करने रख दिए गए हैं। प्याज जब कुछ इस तरह से हल्के हल्के गुलाबी होने लगे, ज़्यादा हमने लाल नहीं करना है, तो हम इसे निकाल लेंगे बॉईल में से, ताकि ज़्यादा लाल ना हो जाए इसे। जूसर के जग में प्याज डाल दिए मैंने जो निकाले थे ऑयल से। अब इसमें हम ऐड करेंगे हरी मिर्च जो मैंने बीच में से दो कर दी हैं, ताकि सही से बारीक पीस जाए, वो डाल दिए। अब इसमें डाल देंगे बादाम जो भिगो के रखे थे, पानी से निकाल दिए। थोड़ा सा अब हम इसमें पानी ऐड कर लेंगे, जिससे सही से ग्राइंड हो जाए सब कुछ अच्छी तरह। गरम मसाले हम अब डाल देंगे ऑयल में, जो प्याज का बचा हुआ ऑयल था उस ऑयल में हमने ये साबुत गरम मसाले डाल दिए। इसको थोड़ा सा भूनेंगे, इसकी खुशबू आ जाएगी जब ऑयल में। लहसुन अदरक का पेस्ट जो हम इस ऑयल में डाल देंगे, 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट। अब अच्छी तरह से इस लहसुन अदरक के पेस्ट को हम इसमें मिक्स कर लेंगे, थोड़ा सा लाल हो जाए। देखें जब लहसुन अदरक का थोड़ा सा कलर चेंज हो जाएगा भुनने के बाद, तो अब हम इसमें जो पिसी हुई प्याज वगैरह हमने अपनी रखी थी वो ऐड कर लेंगे। डाल दिया पेस्ट हमने प्याज का। अब प्याज में हम ऐड करेंगे जीरा पाउडर, धनिया पाउडर और नमक। हम इसे प्याज में ऐड कर लेते हैं। सब मिक्स कर लें आप इसमें। ये देखें प्याज का कलर कुछ इस तरह से चेंज होता जा रहा है और ऑयल छोड़ता जा रहा है। अंडे हमारे बॉईल हो चुके हैं। अब हम अंडों में इस तरह फोर्क की मदद से होल करेंगे, इस तरह थोड़ा थोड़ा सा टच कर लें, जिससे थोड़े थोड़े होल हो जाते हैं। तो हम इसको जब फ्राई करेंगे तो ये उछलेंगे नहीं, जैसे ऑयल उछल के छीटा आ जाता है तो वो नहीं होगा। पैन की मदद से अंडों को इस तरह से आप हिलाते जाएं, घूमते जाएंगे, ताकि वो चारों तरफ से लाल हो जाए। यहाँ हमारा प्याज का मसाला अच्छी तरह भुन चुका है, ऑयल ऊपर अच्छी तरीके से आ गया है।
इसमें ऐड कर लेंगे अंडे फ्राई हुए हुए। वेट करने के बाद इस तरह से मिक्स कर दें मसाले में, वो थोड़ा सा पक जाएगा। तो कुछ इस तरह से तैयार होता जा रहा है। ये हमारा कोरमा तैयार हो रहा है। इसमें थोड़ा सा पानी ऐड कर लेंगे। डिश में निकालने के बाद ऊपर से हम इस तरह थोड़ा सा अदरक डालेंगे